दस दे कि तकरीबन 7 महीनों बाद अज सिनेमा हॉल ते मल्टीप्लेक्स खुलणगे। दस दे कि जिस तरह लॉकडाउन हो गया सी कोरोना काल के दौरान जिहे विच तमाम जिहड़े अदारे ने वह बंद करते गए सन ते हुण 7 महीनों बाद अज सिनेमा हॉल ते मल्टीप्लेक्स खुलणगे। स्विमिंग पूल ते मनोरंजन पार्क भी खोले जाणगे। केंद्र सरकार वालों यह फैसला किया गया जिसके तहत अज तमाम जो सिनेमा हॉल ने मल्टीप्लैक्स खुलणगे, स्विमिंग पूल ते मनोरंजन पार्क भी खोले जाने की इजाजत दी गई है। सिर्फ 50% दर्शक ही सिनेमा हॉल के अंदर जा सकेंगे। हर एक दे लई मास्क पाउणा पर लाजमी होगा। लोगों को एक सीट छड़ के बैठना होगा। फिल्म देखने दौरान खाण पीन दी चीजा लेके जाने की मनाही रहेगी। सिनेमा हॉल दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया भी कराएगा। सो तमाम गाइडलाइनस के नाल जो सिनेमा हॉल ने मल्टीप्लैक्स खोलण की इजाजत जड़ी है वो दे दी गई है। सिनेमा हॉल दर्शकों को सैनिटाइजर भी मुहैया कराएगा। 50% जड़ा है इजाजत दी गई है। इस विच एक सीट छड़ के बैठना होगा। मास्क पाना लाजमी होगा। तो स्विमिंग पूल ते मनोरंजन पार्क भी खोले जाने की इजाजत दे दी गई है। अजे विचकार सिर्फ 50% दर्शक ही सिनेमा हॉल के अंदर जा सकेंगे। हर एक के लिए मास्क पाना जिथे लाजमी होगा। और जो लोग सिनेमा हॉल चाहे मल्टीप्लेक्स चाहे उन्होंने एक सीट छड़ के जो है वो बैठना होगा। जिन्हें तमाम गाइडलाइनस मनद्या हो इजाजत दी गई। दस दिए कि सो की गाइडलाइनस जारी हुई ने। दस दिए कि सिर्फ 50 दर्शकों ही इजाजत दी गई है एंट्री के लिए। हर एक लिए मास्क पाना लाजमी रहेगा। लोगों को एक सीट छड़ के बैठना होगा। जिस सीट पर कोई नहीं बैठेगा उस पर क्रॉस लगाना होगा। मूवी दौरान खाण पीण दीआं चीज़ां ते पाबंदी रहेगी। दस दिए कि इस अलावा 6 साल तो घट उम्र के बच्चों को एंट्री सिनेमा हॉल दे विच नहीं मिलेगी। तो 6 साल के घट उम्र के बच्चे नहीं जा सकते। 60 साल तो वध उम्र के बजुर्गों को भी एंट्री नहीं दी गई है। दस दिए कि हॉल के अंदर वेंटिलेशन की ढुकवी व्यवस्था करना भी जरूरी रखा गया। सो तमाम गाइडलाइनस जारी की गई ने। एसी का तापमान 23 डिग्री तो उपर रखना होगा। एंट्री एग्जिट गेट न समय समय से सैनिटाइज किए जाना जरूरी है। सो तमाम गाइडलाइनस जड़िया ने वो जारी की गई ने जिस तरह अज सिनेमा हॉल से मल्टीप्लैक्स खोलण की इजाजत मिली है। अजे विचकार तकरीबन 7 महीने बीत चुके हैं जो कोरोना के चलद जो लॉकडाउन लग गया और उस तो बाद तमाम अदारे जोड़े ने वो बंद रहे हैं। लेकिन हूँ तकरीबन 7 महीनों बाद इसकी इजाजत जो है वो दे दी गई है। सो हर एक दिल मास्क पाना जिथे लाजमी होगा। 50% कैपैसिटी ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी। लोगों को एक सीट छड़ के बैठना होगा। फिल्म देखने दौरान खाण पीन दी चीज़ा लेके जाने मनाही रहेगी। सिनेमा हॉल दर्शकों सैनिटाइजर भी मुहैया कराएगा। ऐसा हम लोग 7 महीने बाद सिनेमा ओपन कर रहे हैं तो जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं उनको हम फुलफिल करेंगे पूरी तरह से। और हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह से किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी हम लोग के यहाँ ना हो। हम लोगों ने 50% ऑक्युपेंसी के साथ प्लान किया है तो एक सीट छोड़ के एक के साथ हम लोगों को बैठाएंगे। दूसरा ये है कि जो शो के टाइम्स हैं वो हमने अलग रखे हैं, कोई भी टाइम आपस में क्लैश नहीं करेगा। और जो इंटरवल हैं उसको हमने 15 मिनट और एक्सटेंड कर दिया है। जो हमारे यहाँ कैंडी है उसमें हमने जो लोग सामान खरीदने आएंगे वो एक लाइन में आएंगे और पिक दूसरी लाइन से करेंगे। और सारा हाइजीनिक है, सारा पैक्ड फूड हम देंगे, अनटच्ड फूड देंगे। और किसी को भी हम उसमें जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में जो हमने फुटमास्क लगाए हैं सबको हम फॉलो कराएंगे उनके, और इधर उधर भीड़ इकट्ठी होने नहीं देंगे हम। खुलन जा रहे ने। हरप्रीत बंदेशा तो जानकारी इस बारे लैने। हरप्रीत, जिस तरह लॉकडाउन के चलद तमाम अदारे बंद सन और अज जड़ा है तकरीबन 7 महीने बाद जो सिनेमा हॉल ने मल्टीप्लैक्स ने स्विमिंग पूल ने उन्होंने खोलण की इजाजत जड़ी मिली है। तमाम गाइडलाइनस इस लैके जारी की गई ने। सो किस तरह का रिस्पोंस जड़ा है देखने मिल सकता है जिस तरह इन्हों खोलण की इजाजत मिली है अज तो? बिल्कुल, लंबे समय तो इंतजार सी कि सिनेमा हॉल जड़े ने वो खुलन। इस तो अलावा जड़े एंटरटेनमेंट पार्क ने स्विमिंग पूल वो भी आज तो कई जगह से जड़े ने सरकार उन्होंने शुरू करन जा रही है। सब जी SOP है उन्होंने जारी कर दिता गया सरकार वालों। लगभग 7 महीने काफी औखा समा रहा उन्होंने लोगों लिए जो कि फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा दीवानगी रखते हैं, जिन्होंने फिल्मों का शौक है। लेकिन अज असीं दस दईए कि जिहड़ियां मोटे मोटे जो गाइडलाइनस ने कि दर्शकों अपने मोबाइल फोन के आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। फिल्म देखते हुए किसी भी तरीके के खाण पीन से पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। सिनेमा घरों के दर्शक जिहड़ा एक सीट को छड़ के बैठेगा, जिहड़ी सीट को मोड़िया नहीं जा सकेगा उस उत्ते क्रॉस का निशान लगाया जाएगा।
किसी भी तरीके का जो पैसे का लैन देन होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि जो टिकटा ने उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ही खरीदा जा सकेगा। दर्शकों वास्ते जेडे एसी का जो तकनीक है उन्होंने 23 से 30 डिग्री के उस टैंपरेचर रखा जाएगा। एंट्री ते एग्जिट जिहड़े कि दरवाजे ने आउण जाण दे उहनां नूं ते लॉबी नूं समय समय दे उत्ते सैनिटाइज़ कीता जाएगा। ते हर शो तो बाद पूरे सिनेमा हॉल नूं जिहड़ा है सैनिटाइज़ करना होएगा। ते सिनेमा हॉल दे अंदर हर शख्स नूं जिहड़ा है मास्क पाना होएगा ते दर्शकां नूं सैनिटाइजर भी देना होएगा। नाल ही दूसरे पासे जिहड़ी कुछ अहम चीज़ां ने, कुछ जिहड़े सिनेमा घर ने या जो कुछ वड्डे सिनेमा हॉल्स ने जिहड़ी कंपनियां ने जो चेन्स ने उन्होंने बकायदा जिहड़ी किट्स ने उन्हां दा भी दस्सिया जा रहा है कि प्रतिबंध जरा प्रबंध किया है कि जेकर उन्होंने जरूरत हो तो जाके वो किट खरीद के भी तुम फिल्म देख सकते हो। PVR जेड़ा कि एक वड्डी चेन है उन्होंने वालों 10 सूबों से 4 यूटी के अज तो दोबारा तो जेड़े सिल्वर स्क्रीन ने कहा जाए तो वो जाग जाएंगे। 487 जेड़े कुल स्क्रीन होंगे उन्होंने फिल्मा दिखाई जाएंगी। दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाल दिल्ली के जेड़े थिएटर्स ने उन्होंने मुलाकात की थी। जल्द उन्होंने तो उम्मीद की थी कि गाइडलाइन जारी की जान, जो भी गाइडलाइन दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जारी करेगी असं उन्हों का पूरे तरीके पालन करांगे। उसे दे चलते ही मनिया जा रहा है कि अज इस तरीके 7 महीनों बाद खुलन जा रहे ने सिनेमाघर, मल्टीप्लैक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क जोड़े ने वो खुलन गए। तो एक सब तो वड्डी जी एक नजर रहेगी सरकार की एजेंसिया की, जिस तरीके ना पिछले कुछ दिनों तो कोरोना की स्पीड जी कुछ घटती हुई नजर आ रही है, कुछ केसेस घटे भी ने, तो उन्होंने हालातों के जिहड़ा सिनेमा हॉल खुलन से लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि सिर्फ 50% लोगों को जाने की ही इजाजत दी गई है सिनेमाघरों के फिलहाल। उम्मीद की जाए कि जिहड़ा इंटरटेनमेंट का मनोरंजन का एक वड्डा जरिया ते कमाई का वड्डा जरिया है एक वड्डे तबके की दा सिनेमाघर एंटरटेनमेंट पार्क स्विमिंग पूल वो हुण खुलन गए, तो जिस नाल कोरोना होर ज्यादा ना फैले। जी जी हरप्रीत शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी दे लई। सो जिस नाल तमाम गाइडलाइंस जारी कीतियां गईयां ने, लेकिन वड्डी राहत है सिनेमा हॉल वालां दे लई क्योंकि बहुत सारे लोगों का रुजगार इस दे नाल जुड़िया होया। अजिहे विचकार ये तमाम गाइडलाइंस नूं फॉलो करदियां होया लोगों दे लई हुण सिनेमा हॉल खोल दिते गए ने, जिथे मास्क पाना जरूरी होएगा उत्थे 50% एंट्री ही जिहड़ी है अलाउ की गई है। 6 साल तो घट उम्र के बच्चों नूं एंट्री नहीं दी जा रही, 60 साल तो बाद उम्र के बुजुर्गों नूं भी एंट्री सिनेमा हॉल च नहीं दी जाएगी।